हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। मैं हूं सुष्मिता, आपकी एडुकेटर, और मैं आज लेके आई हूं एक डाउट। तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है एवरीथिंग बायो, वहां पे एक डाउट आया था। एक नहीं, बहुत सारे आए थे, लेकिन उसमें से कुछ कुछ डाउट होता है ऐसा, देख के लगता है कि वो सिर्फ आंसर से नहीं होगा, या तो फिर मैं अगर लिख के बताऊंगी तो उससे नहीं होगा। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल एवरीथिंग बायो, यू कैन ऑल्सो चेक आउट, ठीक है। और हमारी जो ग्रुप है, बेसिकली ये टेलीग्राम चैनल है फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर के लिए और नोट्स के लिए, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जैसे कि बाकी जो अपडेट्स मैं देती रहती हूँ उसके बारे में। और एक ग्रुप है, ठीक है, फॉर डाउट्स, और ये डाउट के ग्रुप में ही ये सब डाउट पूछा जाता है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एवरीथिंग बायो ही है उसका नाम। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और मैं वहाँ पे सॉल्व करती हूँ क्वेश्चंस को, जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व की ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और अगर कुछ क्वेश्चन के या तो फिर टॉपिक के अगर वीडियोस ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। इसी चैनल में ये अपलोड होता है, जैसे कि ये वीडियो अभी अपलोड हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लेडी बिब्लियोफूडी जीमेल अकाउंट है मेरे, उस ईमेल आईडी में, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विथ येलो इन्फ्लेटेड पॉड इन डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग पी प्लांट विथ ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड एंड येलो कलर्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है, जो पूछा गया है, पहली बात तो क्वेश्चन किस चैप्टर से है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात किया जा रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे दो कैटेगरी के बारे में बात किया गया है जो कि मेंडल ने सिलेक्ट किया था, वो क्या है, ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉट या तो फिर येलो कलर्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है दो चीज़ कि अगर वो पॉड कलर होगा, सॉरी पॉट नहीं, पॉड कलर होगा, तो पॉड कलर में हम लोग देखते हैं जो ग्रीन है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, और जो येलो है वो रिसेसिव होती है। और जो इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड पॉड जो होते हैं वो डोमिनेंट होता है, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं वो रिसेसिव होती है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड परसेंटेज, अब ये पोर्शन को तुम भूल जाओ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन से शुरू हुआ है, क्वेश्चन को पहले तुम भूल जाओ, ठीक है, छोड़ दो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाकी के पोर्शन देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी। तो हम लोगों को F2 प्रोजेनी देखना है एंड विथ येलो इन्फ्लेटेड। तो पहले क्वेश्चन को दिया गया है, बाद में बताएगा कि कहाँ से देखना है, इन्फ्लेटेड पॉड इन डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट हो रही है, पी प्लांट के, कौन सी पी प्लांट के अंदर हो रही है, ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड, ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड, मतलब एक जो डोमिनेंट है वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रीन कलर्ड, ठीक है, एक सेकेंड, यस, तो ग्रीन कलर्ड, कैपिटल जी से लिख रहे हैं ग्रीन कलर्ड को, क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट है और इन्फ्लेटेड भी डोमिनेंट है, ठीक है। तो हम लोग इन्फ्लेटेड को भी कैपिटल आई से लिख रहे हैं, डोमिनेंट है, ठीक है। और उसके साथ क्या करवा रहे हैं, येलो कलर्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड। तो येलो कलर में हम लोग क्या देखेंगे, स्मॉल जी स्मॉल आई, ओके। तो दीज टू आर द पेरेंट, ठीक है, ये दोनों पेरेंट है, और ये वाला क्या है, दिस इज द डोमिनेंट वन और ये है रिसेसिव, ओके, दिस इज रिसेसिव। तो हम लोगों को दो पेरेंट मिल गया है, एक है डोमिनेंट, दूसरा है रिसेसिव। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस होने वाला है, इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो इनका गैमेट बेसिकली क्या है, व्हाट इज द गैमेट, ठीक है, ये कैपिटल जी कैपिटल आई, कैपिटल जी कैपिटल आई, इनका जो गैमेट है वो क्या होगा,
कैपिटल जी कैपिटल आई, राइट। और यहाँ पे इसका गैमेट क्या होगा, स्मॉल जी स्मॉल आई, दिस विल बी द गैमेट ऑफ रिसेसिव। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द बेसिकली गैमेट्स, ठीक है, जी से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, मतलब नहीं भी कर सकते, मैं बस बोल रही हूँ। तो दीज आर द गैमेट्स। अब F1 प्रोजेनी में अगर हम लोग देखते हैं कि F1 प्रोजेनी में हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट विल बी द F1 प्रोजेनी में हम लोग देखते हैं कि कैपिटल जी कैपिटल आई स्मॉल आई, यही होगा ना F1 प्रोजेनी में। दिस इज द F1 प्रोजेनी। इसके बाद हम अगर F2 जनरेशन देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग किससे होगी, सेम अब इनका गैमेट क्या होगा, राइट। ये जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल आई, कैपिटल जी स्मॉल आई, स्मॉल जी और कैपिटल आई, राइट, और स्मॉल जी स्मॉल आई। ये इसका हुआ एक का, ठीक है, दूसरे का भी वही सेम होगा, तो इसको लिखने की और कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम होने वाला है। ये जो ऐसा आया है कैपिटल जी कैपिटल आई, कैपिटल जी स्मॉल आई, स्मॉल जी कैपिटल आई और स्मॉल जी स्मॉल आई, ये सेम चीज़ इसमें भी होने वाला है। अब हम लोग एक पनिश स्क्वायर बनाएंगे, है ना, क्योंकि उसके अलावा हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे। तो एक पनिश स्क्वायर अगर बनाते हैं तो ये फिर हम लोग को पता चलेगा कि इसकी जो रेशियो बताई गई है वो कैसे निकालेंगे। चार यहाँ पे है, पांच, ओके। तो अब इसका देखते हैं गैमेट्स जो है वो लिख लेते हैं, पहले कैपिटल जी स्मॉल आई, स्मॉल जी कैपिटल आई एंड स्मॉल जी स्मॉल आई, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, है ना। अब हम लोगों को चाहिए क्या, ढूंढ क्या रहे हैं। अब देखो तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुमको टाइम वेस्ट करना है तो तुम ये पूरा 16 अभी बनाते रहो, ठीक है, बच्चों की जैसे कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल आई कैपिटल आई, ये सब बनाते रहो, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है ना। हम लोगों को जो पूछा है वो निकालना चाहिए पहले, है ना। तो क्या पूछा है कि येलो एंड इन्फ्लेटेड, मतलब व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड परसेंटेज, मतलब परसेंटेज निकालना है, टोटल कितने सारे यहाँ से हम लोग मिलेगा, कितने सारे वैरायटीज हम लोग को मिलेगा, 16 मिलेगा, है ना, 1 2 3 4 करके, इधर भी 1 2 3 4, 4 × 4 16 मिलेगा, राइट। 16 अगर मिलेगा हम लोगों को, टाइप्स कैटेगरीज अगर 16 मिलने वाला है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को अभी F2 प्रोजेनी ही मिलने वाला है, दिस इज द F2 प्रोजेनी, राइट। अगर F2 प्रोजेनी है तो हम लोगों को ढूंढना क्या है कि टोटल जो 16 जो प्रोजेनी है, 16 जो यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज मिल रही है, उन 16 में से कोई ग्रीन इन्फ्लेटेड हो सकता है, कोई येलो कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है, कोई इसमें भी इतने सारे, कोई ग्रीन कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है, कोई येलो इन्फ्लेटेड हो सकता है, राइट। तो हम लोगों को बस एक ही चीज़ ढूंढना है, वो है येलो
इन्फ्लेटेड। तो अगर डोमिनेंट में हम लोग रखे थे क्या ग्रीन इन्फ्लेटेड और रिसेसिव में रखे थे येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो अगर येलो इन्फ्लेटेड होना है तो क्या होगा, येलो में हम लोग स्मॉल जी को रखते हैं और इन्फ्लेटेड में कैपिटल आई राइट, ये था डोमिनेंट। लेकिन यहाँ पे रिसेसिव में स्मॉल आई भी प्रेजेंट है, तो अगर जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे अगर हेटेरोजाइगस आया है, ये तो होमोजाइगस है ना इन्फ्लेटेड में और ये रिसेसिव में भी होमोजाइगस है, तो अगर हेटेरोजाइगस आया है वो भी तो सेम चीज दिखाएगा ना, वो भी तो इन्फ्लेटेड ही शो करेगा। तो हम लोग इसको रिसेसिव ही रख रहे हैं, येलो को हम लोग रिसेसिव ही रख रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेटेड तो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, तो हम लोग को ये ढूंढना है। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन है ये ढूंढना है कि स्मॉल जी कैपिटल आई कितने हैं और स्मॉल जी कैपिटल आई स्मॉल आई कितने हैं, और ये किसके अंदर आता है, ये आता है येलो इन्फ्लेटेड, ठीक है, कैटेगरी में। तो ये जो येलो इन्फ्लेटेड कैटेगरी में ये आ रहा है, ये दो स्मॉल जी कैपिटल आई कैपिटल आई और स्मॉल जी कैपिटल आई स्मॉल आई, इसको ढूंढना है। तो पहले तो ये जो कैपिटल जी ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन और ये दिस पोर्शन, इसका तो कोई काम नहीं है, हम लोग ये वाले पोर्शन को नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम नहीं है उतना, एग्जाम चल रहा है, ये PYQs है। ठीक है, PYQs में हम लोग देखना है कि तुम कितना करेक्ट कर रहे हो और कितना फास्ट भी कर रहे हो, क्योंकि टाइम भी बचाना है ना, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं अभी स्मॉल जी यहाँ पे है। ठीक है, तो स्मॉल जी और उसके साथ हम लोग को ये भी देखना है कि कैपिटल आई भी होना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक को कैपिटल आई होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कैपिटल आई प्रेजेंट है और यहाँ पे भी कैपिटल आई प्रेजेंट है, तो हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैपिटल आई आ रहा है और यहाँ पे स्मॉल आई है, तो स्मॉल जी कैपिटल आई फिर आएगा स्मॉल आई राइट। यहाँ पे भी सेम है, स्मॉल जी दोनों में प्रेजेंट है तो इसको ले लो, और इसके साथ यहाँ पे कैपिटल आई प्रेजेंट है और यहाँ पे स्मॉल आई प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कैपिटल आई स्मॉल आई होगा। अब थर्ड यहाँ पे भी देखो स्मॉल जी प्रेजेंट है, दैट इज येलो, लेकिन स्मॉल आई और स्मॉल आई प्रेजेंट है, तो दोनों अगर स्मॉल आई ही प्रेजेंट है तो वो तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, उसको बेकार में लिख के क्या फायदा मेरा राइट। तो हमें ये तीन ही ढूंढना था, ये जो तीन हम लोगों को यहाँ पे मिला है ये तीन ही ढूंढना था कि स्मॉल जी कैपिटल आई या तो फिर स्मॉल जी कैपिटल आई स्मॉल आई, ये ढूंढना है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस में इन्फ्लेटेड। तो ये तीन आया है, ठीक है, जो यहाँ पे पूछा है येलो एंड इन्फ्लेटेड, इनमें से तीन आया है, तो ये तीनों में से देखना है कि व्हाट इज द परसेंटेज क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पे येलो और इन्फ्लेटेड ये दोनों हम लोग अगर मिलता है तो कितने के मतलब हाउ मेनी आर देयर, टोटल कितना है, 16 है, तो तीन आया है तो इसका ये तीन का परसेंटेज कितना होगा इनटू 100, तो इसका आंसर क्या आता है 18.75 राइट। इसको अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो आएगा 18.75, कैलकुलेटर से तुम इसका कैलकुलेशन कर दो तो ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा, 18.75%, ये थर्ड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है ना। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विथ येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड इन डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग पी प्लांट विथ ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड एंड येलो कलर्ड कंस्ट्रिक्टेड पॉड। तो हमने पहले क्या किया, पहले देखा कि ग्रीन है डोमिनेंट और इन्फ्लेटेड है डोमिनेंट, ठीक है, तो पहले डोमिनेंट को हम लोग लिए हैं, कैपिटल जी कैपिटल आई कैपिटल आई डोमिनेंट है, यहाँ पे रिसेसिव को लिया गया है, फिर उसका गैमेट निकाला है और फिर F1 प्रोजेनी निकाला है। तुम पहले गैमेट तुमको मैं समझाने के लिए लिखी हूँ, तुम डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी मैंने तुमको गैमेट समझाने के लिए कर दी हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरा समझाना मेरा काम है, लेकिन तुम जब एग्जाम दे रहे हो तब एग्जामिनर को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पे कोई लिख के पेज भराने की कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो यू कैन जस्ट स्किप ऑल दिस पार्ट, ठीक है, इसको लेना कौन डोमिनेंट है
कौन रिसेसिव है उसको लेना, इसके बाद F1 प्रोजेनी में क्या आने वाला है वो ले रहे हो, आफ्टर दैट यू आर गोइंग थ्रू द पनिट स्क्वायर। पनिट स्क्वायर में पूरा पनिट स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, तुम बस ये देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि येलो दिखाना है और भाई इन्फ्लेटेड दिखाना है, तो येलो कौन सा होगा जो रिसेसिव है येलो कैरेक्टर, क्योंकि डोमिनेट तो ग्रीन था, तो येलो में अगर रिसेसिव है तो स्मॉल जी होगा राइट, और इन्फ्लेटेड है क्या डोमिनेंट कैरेक्टर, अगर कंस्ट्रिक्टेड बोलता तो हम लोग देखते रिसेसिव बस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट एक कैरेक्टर बोला है दैट इज इन्फ्लेटेड, तो इन्फ्लेटेड अगर बोला है तो कैपिटल आई होमोजाइगस होगा और कैपिटल आई स्मॉल आई हेटरोजाइगस भी होगा, तो ये दोनों चीज़ हम लोग को अभी ढूंढना है इनमें से। तो ये जब पनिट स्क्वायर तुम सॉल्व कर रहे हो तब देखो कि स्मॉल जी अगर दोनों में प्रेजेंट है तो ही सिर्फ उसी टाइम में ही येलो हो सकता है, तो जहाँ पे स्मॉल जी प्रेजेंट है उस कैटेगरी को पहले ढूंढो और ढूंढ के यहाँ पे लिखो, और स्मॉल जी के साथ तुमको ये भी देखना है कि एक एटलीस्ट एक इन्फ्लेटेड कैरेक्टर रहना चाहिए डोमिनेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें 3 मिला है, टोटल कितना था कवर में 16, तो 3 out of 16 कितना होता है इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 18.75, सो व्हाट विल बी द आंसर 18.75% इज द आंसर, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज 18.75% ऑफ F2 प्रोजेनी विथ येलो एंड इन्फ्लेटेड विल बी देयर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देखो, क्योंकि इससे ईजी से तो मैं समझा नहीं सकती हूँ, ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर आपको कोई भी डाउट है मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी जैसे आप देख भी सकते हो, ठीक है, और प्रैक्टिस नोट्स के लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो एवरीथिंग बायो, ग्रुप का भी नाम है एवरीथिंग बायो, चैनल का भी नाम है एवरीथिंग बायो, इस चैनल का भी नाम है एवरीथिंग बायो जो कि आपको सब्सक्राइब करना है और ये ग्रुप और चैनल ज्वाइन करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चले, ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो बहुत सारा, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है।